गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विनीता गढ़वाली माँ से आज मैं आपको एक ऐसी सब्जी बताऊंगी जो बेबी के टीथ आने में बहुत ज्यादा मदद करती है और हम उसको बेबी को खिला सकते हैं। आप इस सब्जी को कब खिला सकते हैं? जब आपका बेबी खाना खाना स्टार्ट कर दे और सॉलिड आपका बेबी अच्छे से खा लेता है, तब आप इसको इस सब्जी को बेबी को आराम से बना के खिला सकते हैं। ये सब्जी मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी और इससे विशु को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, जो कि मेरा बेटा है। ये जो सब्जी मैं आपको बताऊंगी, ये सब्जी उसको इतनी पसंद है कि वो हफ्ते में एक दो बार इस सब्जी को जरूर खाता है और उससे उसके टीथ इजीली आए, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। शायद से यही सब्जी है या और कुछ, बट मैंने ये सब्जी विशु को खिलाई थी और जिससे मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। चलो वीडियो ज्यादा बड़ा ना करते हुए इस सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं और बना के तो मैं आपको दिखाऊंगी ही, साथ में मैं आपको बेबी को खिला के भी दिखाऊंगी कि बेबी इसको किस तरीके से खाता है। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस सब्जी का नाम बता देती हूँ। इस सब्जी का नाम है आलू की खिचौनी, जो कि गढ़वाल में बनाई जाती है। आपको इस चाकू की मदद से इसको छील लेना है, उसके बाद आपको इसे बारीक बारीक टुकड़ों में करके पीस लेना है। आप चाहें तो सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। मैंने इस आलू को पहले से ही छील के पीस लिया था, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको पीस लेना है। आप चाहें तो अपने घर की स्लेब पर भी पीस सकते हैं, किचन की स्लेब में, ये देखिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसमें डलने वाले मसाले कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है आधी कटोरी दूध और ये है छोटे वाली हरी मिर्च, टमाटर, जख्या, अगर आपके पास जख्या नहीं है तो आप ज़ीरा भी ले सकते हैं, ये छोटी सी लहसुन है। और उसके बाद मैंने लिया है नमक, हल्दी, धनिया, मसाले आप अपने बेबी के टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि बेबी कैसा खाता है। और यहाँ पे मैंने चढ़ा लिया है पैन, उसमें डाल दिया है आधी चम्मच घी, आप घी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और घी को अच्छे तरीके से गर्म होने दें, उसके बाद होने के बाद आपको इसमें डाल देना है ये ज़ीरा लहसुन, यहाँ पे मैं जख्या डाल रही हूँ, और आपको इसको अच्छे से भूनना है। गाइस, ये पहाड़ की सब्जी है। भूनने के बाद आपको इसमें तुरंत से डालना है ये टमाटर, हरी मिर्च। हरी मिर्च से थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा, दूध से थोड़ा सा मीठा हो जाएगा और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। उसके बाद आपको डालना है ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे अभी। गाइस, ये पहाड़ में बहुत ही अच्छी सब्जी मानी जाती है। अगर आपने इसका प्रॉपर वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ये मैंने आलू डाल दिए हैं जो हमने हल्के दरदरे कूट के रखे थे और आपको इसको अच्छे से चलाना है। ये देखिए जिस तरीके से मैं चला रही हूँ। और इसको अच्छे से भूनने के बाद आपको इसमें ऐड करना है पानी, पहले तो आपको भूनना ही है। ये देखिए आप, पानी आप इसमें आधा गिलास डाल सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हो उस हिसाब से पानी आपको डालना है, जिससे मसाला अच्छे से पक जाए, आलू अच्छे से गल जाए, उस हिसाब से आपको पानी डालना है। और उसके बाद आपको इसमें रख देना है ढक्कन। ढक्कन रखने के बाद आप बीच बीच में देखते रहें आलू गले हैं, टमाटर जो हमने डाले थे वो गल गए हैं या नहीं गले हैं, तो मैं बीच बीच में एक एक बार चेक कर ले रही हूँ कि आलू हमारे गले हैं या नहीं गले हैं। ये देखिए, अगर आलू हल्के हल्के नहीं गले हैं तो आप करछी की मदद से उनको पीस सकते हैं। और बेबी इसको बहुत इजीली तरीके से खाता है, बेबी को ये बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता बेबी के लिए। अगर हल्का हो भी जाता है तो वो बेबी के टीथ आने में मदद करता है। और उसके तुरंत बाद हम डाल देंगे ये दूध, और दूध डालने के बाद आप इसको अच्छे से चला लें, चलाते रहें दूध डालने के तुरंत बाद, नहीं तो दूध फट जाएगा। ये देखिए जिस तरीके से मैं चला रही हूँ, दूध आप नॉर्मल उबला हुआ, ठंडा या गर्म कोई सा भी डाल सकते हैं, बस वो उबला हुआ होना चाहिए। अब मैं इस तरीके से इसलिए चला रही हूँ क्योंकि दूध फट जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये हल्का सा उबाल और आने देना है इसमें, तो उबाल आ गया है और ये टेस्टी टेस्टी सब्जी बनके तैयार है बेबी के लिए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक कटोरी में।
तो गाइस मैंने कटोरी में निकाल ली है, आप देख सकते हैं, और मैं इसको बेबी को खिलाऊंगी। इसके साथ ही मैंने ले लिए हैं ये थोड़े से राइस, जिससे बेबी अच्छे से खा लेगा। तो गाइस मैं इसको बना के ले आई हूँ, और अभी देखते हैं मीशु इसको खाते हैं या नहीं खाते हैं। हैंकी भी आप साथ में ले लें, क्योंकि बेबी के साथ तो बस कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और हैंकी आपको अपने साथ ही रखना है ताकि बेबी गिराए तो आप उसको देख लो। विशु चलो चलो चलो, विशु क्या खाएंगे? आप राइस लेके आए और राइस को हल्के से मिला लें। पहले राइस खिलाएंगे विशु को थोड़ा सा। गाइस आपको इसके साथ बीच बीच में पानी भी पिलाना है। ये क्या है ना, ये हमारे पहाड़ की डिश है और हम इसको बनाते रहते हैं और खाते रहते हैं, और साथ में क्या होता है विशु भी खाता है, तो इसलिए विशु को इसकी आदत बहुत ज्यादा है, तो इसलिए विशु इसको आराम से खा लेते हैं। आप इसको 6 महीने से बाद की बेबी को ही खिलाएं। अगर आपका बेबी इसकी 4-5 चम्मच भी खाता है तो बहुत अच्छा होता है। जैसे क्या होता है ना, ये हल्का हल्का स्पाइसी भी है, हल्का हल्का मीठा भी है, क्योंकि हमने इसमें दूध डाला है, और अच्छा लगता है खाने में। आप एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। और आप देख रहे हो विशु कितने इजीली तरीके से खा रहे हैं, और जो इसमें आलू है वो हल्के हल्के क्रश हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे बीट्स बन जाते हैं उनके, तो वो बेबी को खाने में बहुत अच्छे लगते हैं जब उनकी टीथ आने लगते हैं। बताया था और मेरे को बहुत अच्छा लगा, विशु बहुत अच्छे से इसको खाते हैं। आप देख रहे हो मैं स्पून भर भर के उसको खिला रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड बॉय, गुड बॉय। बट हाँ, आप बेबी को पहले एक बार थोड़ा सा ट्राई करें, उसके बाद ही आप उसको खाने के लिए दें इसको। अगर आपका बेबी खाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खाता तो कोई बात नहीं, आप दूसरी चीज ट्राई कर सकते हैं अपने बेबी के साथ। फोर्सली इसको मत खिलाएं। बातों में लगा के खिलाते रहे, इससे क्या होगा बेबी का पेट भी भर जाएगा। आप वैसे भी नॉर्मल भी आलू बेबी को खिलाते ही होंगे ना, इस तरीके से बेबी को खिलाओ, इससे क्या होगा आपका बेबी जब बड़ा होने लगेगा तो आ आ मेरा बेटा, नहीं विशु खाना खा लो आराम से। अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ ना, तो विशु हाँ हाँ बैठ के खाना है, अब बैठ के खाना है। बच्चों की 3-4 पोजीशन होती है, कभी बैठ के खाना है, कभी लेट के खाना है, कभी कुछ करके खाना है। किस कमी थी? ये देखो अब लेटना है।
आपका बेबी अब जब खाना खाने लगेगा तो ऑब्वियसली बड़े होके उसको हमें खाना ही देना है। इससे क्या होगा, बेबी आपका खाना खाना भी सीख जाएगा कि जो आपके घर में दाल चावल बनते हैं नॉर्मल वाले, है ना, तो बेबी मना नहीं करेगा। कुछ कुछ क्या बेबी क्या होते हैं, दूध पे ही टिके होते हैं, तो उनको खाना खिलाने की आदत भी डालनी चाहिए। विशु सब चीज खाते हैं, विशु दाल चावल भी खाते हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे उनको सभी चीज खिलाती हूँ। आदत है तो इसलिए उसको मैं फाइनल में ही पानी पिलाती हूँ। आप बीच बीच में बेबी को पानी जरूर पिलाते रहें, क्योंकि आपकी बेबी को तो आदत नहीं होगी ना, इसलिए तो जब आप उसको ये सब खिला रहे हो तो बीच बीच में पानी जरूर पिलाते रहें। ओ ओ बेबी, उफ उफ, ऐसे करके दिखा दो सबको कि हाँ मैं कितना नोटी बॉय हूँ, मैं कितना नोटी बॉय हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, कभी कभी खा लेता हूँ ऐसे मम्मी की गोदी में बैठ के। जल्दी जल्दी खिला दो उसको बस टाइम से, नहीं तो भागनी है, उनकी ट्रेन छूट रही है। कहाँ छूटती है विशु, ट्रेन ट्रेन छूट रही है ट्रेन। तो गाइस आप देख सकते हैं विशु ने पूरा खाना फिनिश कर दिया है अपना। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, एक सेकेंड। हाँ ये देखिए, बस इसमें मुश्किल से दो चम्मच बची हैं बड़ी वाली, और बाकी विशु ने सारा खा लिया, और विशु को अभी भी दोबारा से खाना है। ये लो। अब जो ये राइस बचे हैं आपको मैंने दिखाए, ये जो हल्की सब्जी बच गई है मैं राइस में मिक्स करूंगी, और अगर विशु को खाना होगा तो विशु थोड़ा थोड़ा हाथों से लेके खुद ही खा लेंगे, और थोड़ा थोड़ा मैं खिला दूंगी। तो बस यही इसी तरीके से आपको खिलाना है बेबी को, और फोर्स नहीं करना है, बेबी खाए तो खिला देना, वरना कोई बात नहीं, आप कोई और चीज ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।